बालवीर की हरकतों में आया बदलाव, विवान को हुआ बालवीर पर शक। आप तो जानते ही हैं कि बालवीर काफी टाइम से याददाश्त चले जाने की वजह से विवान के घर में देबू भैया बनकर रह रहे हैं, लेकिन अब विवान अपने बालवीर पर ही शक करने लगे हैं। ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि विवान ने बालवीर को मुंह पर मास्क लगाकर एक शख्स को बचाते देख लिया। हालांकि विवान अब तक श्योर नहीं है कि वो बालवीर ही थे, लेकिन उसके बाद से ही विवान की शक की सुई बार बार बालवीर पर अटकती है। अब देखिए ये नजारा, घर आकर बालवीर अपने हाथों का कट दिखा रहे हैं, लेकिन विवान के दिमाग में अब भी वही सारी बातें चल रही है। वो कहते हैं ना कि एक बार जहां शक आ जाए वहां यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ विवान के साथ भी होता दिख रहा है। अरे और विवान, हमारे पास तो बहुत अच्छी जादू शक्ति है, शायद ऐसी सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। तुमने इसी सुपर पावर से खुशी को बचाया होगा ना, है ना? मैंने अकेले नहीं, मेरा पोस्ट दोस्त ने भी मेरी मदद की। बालवीर विवान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही विवान के साथ मजाक भी करते दिख रहे हैं। नकाब पोश दोस्त? अगर वो तुम्हें दोस्त बोल रहा है तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे विवान, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो पूछ लो ना उसी से कि भैया काहे चेहरे पे गमछा बांध के छुपा रहे हो। खैर, बालवीर बातें करते करते अपनी ही बातों में फंस गए हैं, और अब विवान को हो गया है पूरा भरोसा कि बालवीर बोल रहे हैं झूठ। मैं पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले वो अपने घोड़े पर बैठकर निकल गया। घोड़ा नहीं, बाइक। आपको कैसे पता? अरे आजकल तो लोग सिर्फ शादी में अपने घोड़े पे बैठते हैं ना, बाइक पे तो सुपर हीरो आते हैं, है ना? अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से बालवीर याददाश्त जाने का ड्रामा कर रहे हैं, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बालवीर का सच जानकर विवान आगे क्या करेंगे। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।